हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक शर्मा आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एमएनएस क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने अब तक हीट ट्रांसफर में कंडक्शन एंड फोर्स कन्वेक्शन का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम नेचुरल कन्वेक्शन और ग्राशॉफ नंबर के कॉन्सेप्ट को जानेंगे। नेचुरल कन्वेक्शन का पार्ट कन्वेक्शन में लास्ट के उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से है जो गेट में हमेशा से एक नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाता है और ग्राशॉफ नंबर से जुड़े हुए भी सवाल गेट में बहुत बार आते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं नेचुरल कन्वेक्शन से। कन्वेक्शन में हमने स्टार्टिंग में जाना था कि किस तरीके से किसी फ्लूड की कैरेक्टरिस्टिक की वजह से उस कन्वेक्शन को डिफाइन किया जाता है। अगर किसी एक्सटर्नल फैक्टर से किसी हीट ट्रांसफर फिनोमिना को अफेक्ट किया जाता है तब उस केस में उसको बोला जाता है फोर्स कन्वेक्शन। अगर किसी भी फ्लूड हीट ट्रांसफर प्रोसेस में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया गया है तब उस केस में आप उसको बोलेंगे नेचुरल कन्वेक्शन। तो नेचुरल कन्वेक्शन को हम समझते हैं। यहाँ मैंने आपको एक डायग्राम बनाकर दिखाया है। इसमें येलो कलर की प्लेट को मैं सॉलिड प्लेट बोल रहा हूँ जो कि है हीट सोर्स, सॉलिड हॉट प्लेट। और इस सॉलिड हॉट प्लेट को हीटअप होने के बाद ये अपनी हीट इस बीकर को ट्रांसफर करेगी बाय कंडक्शन प्रोसेस। अब होगा क्या कि ये कंडक्शन प्रोसेस अपने अंदर रखे हुए फ्लूड को हीट ट्रांसफर करेगी बाय नेचुरल कन्वेक्शन फिनोमिना। कैसे होता है इसको हम समझते हैं। जो सबसे पहले लेयर होती है डाउन साइड, उस लेयर के मॉलिक्यूल्स सॉलिड प्लेट के इंटरेक्शन में होते हैं। ओके, आप मान लीजिए ये सारे मॉलिक्यूल्स इस वाटर के या इस किसी भी फ्लूड के उसके डाउन साइड है। अब इन मॉलिक्यूल्स को जब हीट दी जाएगी तो ये क्या होंगे, हीट गेन करने के बाद वार्म हो जाएंगे, यानी इनका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। अब जब ये मॉलिक्यूल्स अपने अंदर हीट एनर्जी गेन कर लेते हैं तब इनकी जो डेंसिटी होती है वो चेंज हो जाती है। सो डेंसिटी ऑफ हॉट फ्लूड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ कोल्ड फ्लूड। इस डेंसिटी डिफरेंस के होने की वजह से होगा क्या कि एक सेल्फ सर्कुलेशन शुरू हो जाएगा, मतलब कि जो हॉट मॉलिक्यूल्स होंगे वो राइज अप करेंगे अपर डायरेक्शन में और जो कोल्ड फ्लूड है इसके अपर लेयर, मतलब कि ये जो लेयर होगी तो इसके ऊपर की जितनी भी लेयर्स हैं उसका टेम्परेचर तो ऐसा नहीं है, तो उन फ्लूड्स के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो रिप्लेस हो जाएंगे डाउनसाइड डायरेक्शन के मॉलिक्यूल से, जिनको यहां पर एरो से बताया है। तो रेड कलर के हो गए हॉट मॉलिक्यूल्स और ब्लू कलर के हो गए कोल्ड मॉलिक्यूल्स। तो ये जो रिप्लेसमेंट है मॉलिक्यूल्स का इनसाइड द बीकर ऑटोमेटिक, इसी को बोला जाता है नेचुरल कन्वेक्शन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब इसके पीछे के जो साइंस है उसमें क्या है कि ये जो होता है वो होता है डेंसिटी डिफरेंस की वजह से। नेचुरल कन्वेक्शन इज अकर्ड बाय डेंसिटी डिफरेंस, ये आपको याद रखना है। ओके, उसके बाद इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है कि यहां पर किस फोर्स को हम कंसीडर करते हैं उसका नाम होता है बायंसी फोर्स। बायंसी फोर्स कैसे, अब आप देखिए कि आपके पास कोई लिक्विड है जो इस बीकर में भरा हुआ है। ओके, अब कोई फोर्स ग्रेविटी की वजह से डाउन साइड लगेगा और ये जो फ्लूड है जो लाइटर फ्लूड है जो कि हॉट है और वो अपर साइड राइज कर रहा है और जो कोल्ड है वो डाउन साइड राइज कर रहा है, तो इन दोनों फ्लूड को जो बैलेंस कर रहा है उसी फोर्स की कैलकुलेशन में बायंसी फोर्स का मेजर रोल होता है। ओके, तो आपको ये याद रखना है कि डेंसिटी डिफरेंस ये यहां पर एक फिनोमिना हुआ तो उसकी वजह से नेचुरल कन्वेक्शन पॉसिबल हुआ और फोर्स कौन सा होगा, बायंसी फोर्स। अगर इस बायंसी फोर्स को मैं निग्लेजिफाई कर दूं
तब ये जो प्रोसेस है नेचुरल कन्वेक्शन की, ये चेंज हो जाएगी कंडक्शन में। आप ये मानिए आपके पास एक बीकर है, ठीक है, और आपने उसको हीट देना शुरू किया, और अगर इसके अंदर का जो भरा हुआ फ्लूड है अलग अलग लेयर्स में, अगर ये मूवमेंट नहीं करेगा तो नीचे से दी हुई हीट, मतलब जो हीट सोर्स दिया गया है, वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा लेयर टू लेयर। और ये सब तो हमने कंडक्शन में पढ़ रखा था, जहां पर हमने एक सोर्स को अप्लाई किया था हीट और उसके दूसरे सोर्स पे ऑटोमेटिक हीट ट्रांसफर हो गया था, तब हम वहां क्या बोले थे कि दैट वॉट कंडक्शन प्रोसेस। सिमिलरली अगर बायंसी इफेक्ट आपका नेग्लिजिबल हो जाएगा इस फिनोमिना से, तो नेचुरल कन्वेक्शन कैन बी ट्रांसफर इनटू कंडक्शन प्रोसेस। ओके, अब समझते हैं नेचुरल कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर फिनोमिना इन एयर। तो यहां पर मैंने अभी आपको एक फ्लूड में बताया कि किस तरीके से डेंसिटी डिफरेंस होने की वजह से नेचुरल कन्वेक्शन पॉसिबल हुआ। अब समझते हैं एयर में, यहां मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया है, जिसमें मैंने एक पोटैटो को हॉट बेक्ड कंडीशन में किसी सॉलिड प्लेट पर रख दिया, ओपन एटमॉस्फेयर में। ओके, तो ये ओपन एटमॉस्फेयर आपके पास है, और इस ओपन एटमॉस्फेयर में आपके पास सराउंडिंग में जो एयर है, ओके, वो मान लीजिए आप कूल है, ठीक है। चलिए, अब इस सॉलिड प्लेट पर इसको रखे होने से इसका टेम्परेचर आप मान लीजिए 70 डिग्री सेल्सियस, और सराउंडिंग का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। इस हॉट बेक्ड पोटैटो के सराउंडिंग में जो कूल एयर है, वो इससे हीट अप होने के बाद अपनी डेंसिटी चेंज कर लेगी, और लाइट डेंसिटी होना की वजह से वो एक दूसरी डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो जाएगी, दैट वॉज अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, और इस मूवमेंट से होगा क्या कि दूसरी एयर को वहां आने के लिए रिप्लेसमेंट मिलेगा, और ये सर्कुलेशन होगा कहां पर, इसके सराउंडिंग में एक लेयर बन जाएगी, एक इमेजिनरी लेयर, जहां तक इसका हीट इफेक्ट पॉसिबल होगा। ये पूरे कमरे की लेयर को तो गर्म नहीं कर सकती ना, आप इमेजिन कीजिए कि आपके इस रूम में, आप इसको कंसीडर कीजिए आपके पास एक रूम है, ओके, और इस रूम में कहीं पर एक हॉट बेक्ड पोटैटो रखा हुआ है, ओके। तो जब इस पोटैटो से हीट लेयर किसी भी सराउंडिंग एयर को गर्म करेगी, तो इसका मैक्सिमम इफेक्ट जहां तक पॉसिबल होगा वहां तक की एयर से ये रिप्लेसमेंट अपना करेगी, ओके, और कूल एयर इससे एनर्जी गेन करने के बाद आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देगी। तो इस तरीके से एयर में नेचुरल कन्वेक्शन का फिनोमिना होता है। आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने किसी भी घर में, जब कोई हीट अप्लायंस होता है, आपके पास आयरन होगी जिसको आप डेली यूज करते होगे, तो उस आयरन के जो फ्लैट सरफेस होता है, मान लीजिए ये हॉट सरफेस है, ओके, आयरन का, तो आप इसके पास अपने हाथ को ले जाके देखिए, आपको यहां पर कुछ गर्मी महसूस होगी। वो क्यों होगी? क्योंकि उस आपके हैंड और आयरन के हॉट सरफेस के जो बीच में एयर मौजूद है, उस एयर को हीट मिल चुकी है उस हॉट सरफेस से, और वो किसकी वजह से हुआ है? आपने वहां कोई फैन, कोई पंप, कोई ब्लोअर, ये तो सब अप्लाई नहीं किया हुआ, ना ही कोई स्टिरर अप्लाई किया, तो वहां सब ये पॉसिबल हुआ नेचुरल कन्वेक्शन के फिनोमिना से। तो आई होप आपको इस तरीके के कन्वेक्शन की फीलिंग आ रही होगी। अब जानते हैं नेचुरल कन्वेक्शन फ्लो ओवर अ हॉट वर्टिकल प्लेस कैसे होता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास एक लिक्विड का कोई बीकर भरा हुआ है, और उसमें आपने कोई एक हॉट सॉलिड प्लेट इमर्ज कर दिए, ओके, उसके बाद किस तरीके से नेचुरल कन्वेक्शन की वजह से वेलोसिटी प्रोफाइल एंड टेम्परेचर प्रोफाइल किस तरीके से बिल्डअप होगी, हम उसको समझते हैं। तो यहां मैंने आपको वो बनाकर बताई है, ये आपकी एक सॉलिड प्लेट है जिसका टेम्परेचर है TS, और ये जो प्लेट है वो किसी एक बीकर में इमर्ज है,
और इस बीकर में एक लिक्विड फिल किया हुआ है। ओके, आप इसको ऐसे समझिए, ठीक है? जब तक आपको पूरी तरीके से फीलिंग नहीं आएगी तो आपको कोई भी कॉन्सेप्ट मजेदार नहीं लगेगा और समझ में आने में बहुत परेशानी होगी। चलिए, अब इस लिक्विड का टेम्परेचर है टी इनफाइनाइट और ये स्टेशनरी फ्लूइड है, और हमने यहां पर कंसीडर किया है टी एस इज ग्रेटर देन टी इनफाइनाइट। तो यहां पर वेलोसिटी प्रोफाइल और टेम्परेचर प्रोफाइल कैसी होगी? तो देखिए, जो मूवमेंट होगा नेचुरल कन्वेक्शन की वजह से, तो वो फ्लो मूवमेंट पॉसिबल होगा इसके लेयर के बाद नेचुरल कन्वेक्शन होना है, क्योंकि रिप्लेसमेंट होगा डेंसिटी डिफरेंस की वजह से। तो ये राइज अप होना शुरू होगा इसकी वेलोसिटी, और वेलोसिटी एक मूवमेंट पर जाने के बाद यहां वेलोसिटी होगी मैक्सिमम, और उसके बाद इस हॉट सरफेस का जो अफेक्ट है वो कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि किसी भी एक सर्टेन डिस्टेंस तक जाने के बाद नेचुरल कन्वेक्शन अपना अफेक्ट खो देता है। तो वहां से उस वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और एट दैट पॉइंट जहां वेलोसिटी लेयर, जहां बाउंड्री लेयर अपना अफेक्ट खो चुकी है, स्टेशनरी फ्लूड का जो डोमिनेंट है, डोमिनेशन है, वो स्टार्ट हो जाएगा, तो वहां जाकर वेलोसिटी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और सरफेस पर टच होने वाले पॉइंट की वेलोसिटी जीरो होगी। क्यों होगी आप सब लोग मुझे बताएंगे, मैंने आपको प्रीवियस सेक्शन में जब मैंने आपको वेलोसिटी बाउंड्री लेयर बताया था, तब मैंने आपको वहां पर नेसेसरी कंडीशन बताई थी, तो उस कंडीशन का नाम होता है नो स्लिप कंडीशन। देखिए, आपको इन्हीं सब पॉइंट्स को याद रखना है हमेशा, क्योंकि आप जब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई अलग से बना के नहीं पूछता आपको, जो भी सिलेबस को पढ़ना होता है अपने गेट के सिलेबस में, एकेडमिक्स में, तो वो कोई भी एग्जाम हो, बार्क हो, आपके सेल का एग्जाम हो, CIL हो, तो जो भी एग्जाम आपसे न्यूमेरिकल या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, तो वो आपके उन्हीं थ्योरी पार्ट्स को कवर करके करने के बाद ही पूछेगा जो आपने पढ़ा है। तो जाहिर सी बात है कि नेचुरल कन्वेक्शन में अगर वेलोसिटी जीरो होती है सॉलिड प्लेट पर, तो वो कौन सी कंडीशन होती है? नो स्लिप कंडीशन। ओके, चलिए, वेलोसिटी आपको समझ में आ गई। एक और क्वेश्चन था कि वेलोसिटी की जो ये प्रोफाइल है वो कैसी है, तो आपको यहां से दिख रहा होगा कि ये जीरो से स्टार्ट होकर मैक्सिमम तक जाने के बाद फिर से जीरो हो जाएगी, और ये शेप हर बार चेंज होगा। ओके, तो आप इसको बोलेंगे कि वेलोसिटी प्रोफाइल एग्जिबिट अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। ओके, ये वेलोसिटी प्रोफाइल अपने अंदर मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू रखती है। ओके, या पहले आप बोलेंगे इट इज इंक्रीजिंग अप टू दैट मैक्सिमम वैल्यू एंड देन डिक्रीजिंग अप टू दैट जीरो वैल्यू। ओके, चलिए अब बात करते हैं टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर क्या है? सबसे पहले जब जो मॉलिक्यूल्स यहां इंटरेक्शन करेगा सॉलिड प्लेट से, उसका भी टेम्परेचर यहां पे TS हो जाएगा, और इस कंडीशन को मैंने आपको बताया था, आई होप आपको याद होगा, उसका नाम था नो टेम्परेचर जंप कंडीशन। अब देखिए, अगर आपसे न्यूमेरिकल या ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि टेम्परेचर की वैल्यू सॉलिड प्लेट पे आने के बाद सेम वैल्यू हो जाती है, तो वहां कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी? ए ऑप्शन हो जाएगा नो स्लिप कंडीशन, बी हो जाएगा नो टेम्परेचर जंप कंडीशन। तो आपका माइंड कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, नो स्लिप कंडीशन केस में आती है वेलोसिटी के। आप इसको टिक मार देंगे, आपका निगेटिव में मार्क्स आ जाएंगे, और नो टेम्परेचर जंप कंडीशन आती है जब सॉलिड लेयर में थर्मल बाउंड्री लेयर का फिनोमिना आता है। ओके, चलिए, अब इस टेम्परेचर की वैल्यू डिक्रीज होने लग जाएगी, और ये डिक्रीमेंट कहां तक पॉसिबल होगा? जहां पर बाउंड्री लेयर फिनोमिना जा रहा है, और उसके बाद जो टी इनफाइनाइट है वो तो स्टेशनरी फ्लूड का है ही, तो वहां जाके सभी का टेम्परेचर टी इनफाइनाइट हो जाएगा। इस तरीके से वर्टिकल में
हॉट प्लेट का फिनोमिना कवर किया जाता है। अब अभी मैं आपसे बोलूं, इस कंडीशन को मैं रिवर्स कर दूं कि आपके पास एक कोल्ड प्लेट है, एक हॉट लिक्विड बीकर में आपको उस प्लेट को इमर्स करना है, तो होगा क्या कि जितनी भी टेम्परेचर की प्रोफाइल और वेलोसिटी की प्रोफाइल है ना, बस ये रिवर्स हो जाएगी और उसके बाद ये सभी कंडीशन सेम रहेंगी उस केस में भी। ओके, तो चलिए देखिए, दिस फिगर शोज द वेलोसिटी एंड टेम्परेचर प्रोफाइल फॉर नेचुरल फ्लो ओवर अ हॉट वर्टिकल प्लेट एट टेम्परेचर Ts इंसर्टेड इन अ फ्लूइड T इनफाइनाइट टेम्परेचर। दिस ग्राफ इज सिमिलर फॉर कूलिंग सरफेस, जस्ट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड टेम्परेचर प्रोफाइल। तो हमने अभी तक नेचुरल कन्वेक्शन में कवर कर लिया कि ये क्या होता है, इसमें टेम्परेचर प्रोफाइल वेलोसिटी प्रोफाइल कैसी होती है, और जो कंडीशन इसमें यूज हुई थी उनको भी देख लिया। अब समझते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका नाम है ग्राशॉफ नंबर। तो ग्राशॉफ नंबर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो ये एक ऐसा नंबर है जो नेचुरल कन्वेक्शन में यूज होता है। मैंने आपको फोर्स कन्वेक्शन में जब आपको लेमिनार और टर्बुलेंट, मैंने ये दो आपको शब्द बताए थे कि लेमिनार फ्लो क्या होता है और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। आई होप आपको ये पता होगा, आप भूलिएगा नहीं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उस वीडियो की लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप जरूर देख लीजिए। तो लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो को हमने जो डिफाइन किया था, तो वहां एक नंबर डिफाइन किया था जिसका नाम था रेनॉल्ड नंबर, और रेनॉल्ड नंबर को डिफाइन करने के बाद मैंने आपको बोला था ये जो नंबर है वो यूज होता है फोर्स कन्वेक्शन में। तो आपके पास यहां पे एक न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव तैयार हो गया कि रेनॉल्ड नंबर इज यूज्ड इन ओनली ऑन फोर्स कन्वेक्शन। आप इसको लिख लीजिए अपने नोट्स में, क्योंकि इन्हीं पॉइंट से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। आप बाकी लोगों से बोलेंगे कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन दीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दीजिए, आप बुक से पढ़िए, आप अपनी थ्योरी कंप्लीट कीजिए। ओके, अब ग्राशॉफ नंबर की बात की जाए तो ये जो यूज होगा वो होगा नेचुरल कन्वेक्शन में। अब आप यहां से इन दोनों को लिंक करने की कोशिश कीजिए। रेनॉल्ड नंबर क्या बताता था कि फ्लो लेमिनार होगा या टर्बुलेंट होगा अपनी एक न्यूमेरिकल की फिक्स्ड वैल्यू से। तो सिमिलरली ग्राशॉफ नंबर भी नेचुरल कन्वेक्शन में बताएगा कि आपका फ्लो लेमिनार है कि टर्बुलेंट है। बट ये जो स्टडी है नेचुरल कन्वेक्शन की, ये बहुत टिपिकल थी, कॉम्प्लेक्स थी, तो उसको हमारे एकेडमिक्स और गेट सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया गया। हमको सिर्फ इतना पता होना जरूरी है कि ग्राशॉफ नंबर क्या होता है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। मैंने आपको वहां बताया था रेनॉल्ड नंबर के बारे में, अब देखते हैं ग्राशॉफ नंबर। तो ग्राशॉफ नंबर इज अ रेशियो ऑफ टू फोर्सेस, बायंसी फोर्स डिवाइड बाय विस्कस फोर्स। You just write down on your notes, Grashof number is similar to Reynolds number. Now, the value which is calculated by these terms, G is a gravity, beta is a thermal volume expansion, LC is characteristic length, TS is the surface temperature, and T is a surrounding temperature, and mu square is a kinematic viscosity. By the combination of these terms into a one formula is called Grashof number. Okay, तो ये similar है Reynolds number के। वहां हमें याद करना था Reynolds number क्या था, inertia force upon viscous force। यहां पर है buoyancy force upon viscous force। यहां से आप relate कर सकते हैं natural convection को, क्योंकि वहां buoyancy force affect होता है। तो देखिए कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन बीटा, ओके, म्यू की वैल्यू जो होती है वो म्यू ओवर जी इसके बराबर होती है, और इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। टेम्परेचर ऑफ स्टेशनरी फ्लूइड, टी इज अ सरफेस टेम्परेचर, एल सी इज अ कैरेक्टरिस्टिक लेंथ ऑफ दैट प्लेट, और उसके बाद बीटा है कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन।
ओके एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सिमिलर बात मैंने यहां पर लिख दी है जो मैंने आपको बोल के बताई, द रोल प्लेड बाय रेनॉल्ड नंबर इन फोर्स कन्वेक्शन इन हीट ट्रांसफर इज प्लेड बाय द ग्रेश ऑफ नंबर इन नेचुरल कन्वेक्शन। ओके चलिए अगला एक नंबर आता है जो इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव वाइज, उसको बोला जाता है रेले नंबर, एंड रेले नंबर इज कनेक्टेड इन नेचुरल कन्वेक्शन। मैं आपको ये भी उसी तरीके से इंपॉर्टेंट है जिस तरीके से ऑब्जेक्टिव में बायंसी फोर्स, ग्रेश ऑफ नंबर, प्रांटल नंबर, तो रेले नंबर के बारे में डायरेक्टली पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज यूज्ड इन नेचुरल कन्वेक्शन। द ऑप्शंस आर प्रांटल, रेनॉल्ड, रेले एंड शेमिट। सो यू जस्ट टिक ऑन रेले नंबर एंड यू विल गेट अ वन मार्क। ओके सो रेले नंबर इज यूज इन नेचुरल कन्वेक्शन एंड डिफाइंड बाय द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेशॉफ नंबर एंड द प्रांटल नंबर। ओके सो रेले नंबर विल बी ग्रेशॉफ नंबर एंड प्रांटल नंबर प्रोडक्ट वैल्यू। ओके नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है नेचुरल कन्वेक्शन में, नसेल्ट नंबर, ग्रेशॉफ नंबर एंड प्रांटल नंबर के बीच में रिलेशनशिप। आपने फोर्स कन्वेक्शन में चार जो इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, आई होप आपने वो देख ली होंगी, और उन्हीं चार इक्वेशन से आपको क्या कैलकुलेट करना था, हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट। तो सिमिलरली हमको नसेल्ट नंबर, ग्रेशॉफ नंबर और प्रांटल नंबर के रिलेशनशिप से नेचुरल कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम लेमिनार फ्लो की। तो लेमिनार फ्लो में नसेल्ट नंबर इज अ फंक्शन ऑफ ग्रेशॉफ एंड प्रांटल टू द पावर 1/4। देखिए वहां मैंने आपको एक स्पेसिफिक इक्वेशन बताई थी, तो मैंने यहां पे आपको एक फंक्शन की वैल्यू बताई है। आपको ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली पूछा जाता है कि नसेल्ट नंबर किसके प्रोपोर्शनल है, तो आपको सिंपली बता देना है ग्रेशॉफ और प्रांटल की पावर 1/4। उसके बाद ये जो रिलेशनशिप है, नसेल्ट नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी टू द पावर 1/4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता नहीं सकता, इस पर दो बार गेट ने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है, तो आपको यहां से इंटरप्रिटेशन निकालनी है। जब नसेल्ट नंबर डेल्टा टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/4 पावर के, सो एच पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा टी टू द पावर 1/4 के इन लेमिनार फ्लो। तो जब भी कन्वेक्शन की बात होगी, नेचुरल कन्वेक्शन की, तो वहां आपको अगर हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट कैलकुलेट करना होगा तो आप इसका यूज करेंगे। आप वहां ये नहीं कंफ्यूज हो जाना कि आप फोर्स कन्वेक्शन की वैल्यू के नेचुरल कन्वेक्शन की वैल्यू निकालने लग जाना, गलत हो जाएगा टोटली। ठीक है, अब बात करते हैं टर्बुलेंट फ्लो की। तो टर्बुलेंट फ्लो में नसेल्ट नंबर इज अ फंक्शन ऑफ ग्रेशॉफ एंड प्रांटल टू द पावर 1/3। तो नसेल्ट नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी टू द पावर 1/3, तो यहां से भी आप एच इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टू द पावर 1/3। देखिए किसी भी एग्जाम में, कोई एग्जाम टफ कब बनता है, जब आप उस कॉन्सेप्ट को नहीं जानते। मैं तो सिर्फ इतना ही समझ सकता हूं, क्योंकि अगर आप किसी भी कॉन्सेप्ट को जानते हैं और उसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, तो वो कितना भी बड़ा न्यूमेरिकल हो, उसकी कैलकुलेशन कितनी भी टिपिकल हो, आप उसको टफ नहीं बोलेंगे, आप उसको बोलेंगे लेंदी। ये दोनों वर्ड अलग अलग है ना, तो टफ आप उसको बोलते हैं जो आपको समझ में ना आए। समझ में कौन सा नहीं आएगा, आपने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं होगा। तो बस आपको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को केयरफुली स्टडी करनी है, आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना गेट में, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपके लिए एक वीडियो इस पर भी बनाने वाला हूं कि गेट के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको हमेशा ही पढ़ने हैं, यू विल नेवर मिस दैट टॉपिक। ओके तो चलिए इस वीडियो को समराइज कर लेते हैं जल्दी से।
मैंने आपको बताया नेचुरल कन्वेक्शन क्या होता है। नेचुरल कन्वेक्शन के बाद आपने देखा कि वेलोसिटी की प्रोफाइल, टेम्परेचर की प्रोफाइल इन वर्टिकल प्लेट, उसके बाद आपने ग्रैशॉफ नंबर देखा, और लास्ट में मैंने आपको ग्रैशॉफ नंबर, प्रांटल और नसेल्ट नंबर का रिलेशनशिप बताया। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो और आपके बहुत काम आने वाला है। तो दोस्तों एमिनेंस क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये अभी तक ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँच पाया है। तो आप अपने दोस्तों को, अपने बैचमेट्स को जरूर बोलिए कि चैनल को देखें, और वो उनको कैसा लगता है ये वीडियो और इसमें चैनल पे मौजूद सभी वीडियोस, तो आप उनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।